हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 6 बजे का, और मैं अभी ना पालक को बॉईल कर रही हूँ। मुझे आज बनाना है पालक पनीर, तो उसके लिए थोड़ा सा बॉईल करना ज़रूरी होता है। आप ऐसे नॉर्मल स्टीम दे सकते हैं कुछ मिनट के लिए, उसके बाद भी आप ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा आज इसको ज़्यादा पका दिया है। तो बस उसको मैं छान के निकाल ले रही हूँ पालक को, और जो पानी बचा है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि रेत रेत सा नीचे दिख रहा था, कुछ ऐसे पार्टिकल दिख रहे थे ना, इसी वजह से मैं उसका पानी नहीं तो मैं यूज़ कर लिया करती हूँ अगर साफ़ रहता है तो, लेकिन आज वाला मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैंने उसको फेंक दिया है। और कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे, और गैस पे अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है, उससे पहले पालक को मैं कर ले रही हूँ ग्राइंड। सॉरी, पालक को नहीं, प्याज लहसुन ये सब मैं अभी ग्राइंड कर रही हूँ, तो क्योंकि इसका मुझे अभी मसाला बनाना है। तो बस यहाँ पे ना कढ़ाई अभी गर्म हो चुकी है, और मैं इसमें थोड़ा सा अभी ऑयल डालूँगी। मैं एक्चुअली मुझसे ना मिस्टेक हो गई, मैंने मिर्ची डाल दिया, बट मुझे अभी पनीर को फ्राई करना था, तो अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ना मिर्ची को साइड कर करके और निकाल ली प्लेट में, क्योंकि इसी मिर्ची को मैं बाद में डाल दूँगी जब पनीर, क्योंकि फिर पनीर फ्राई करती ना दूसरी कढ़ाई में तो एक और कढ़ाई जूठी हो जाती, तो इसीलिए मैंने मिर्ची को ही निकाल ली है और पनीर को कट कर ले रही हूँ स्क्वायर पीसेस में, एंड उसके बाद इसी ऑयल में इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये एक पैकेट पनीर में हम तीनों का आराम से हो जाता है, और आराम से हम खा लेते हैं, कम भी नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा मतलब बचता भी नहीं है, एक टाइम का हमारा अच्छे से हो जाता है इस पनीर में। तो मैं सारा पनीर एक बार में ही फ्राई कर लूँगी, बिकॉज़ ये जो कढ़ाई है ना, ये स्टील वाली कढ़ाई है, और इस तरीके से इसका तलवा इस तरीके से है कि बहुत सारा पनीर एक बार में फ्राई हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं करती हूँ कभी भी पनीर को। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है ना तो मैं डीप फ्राई कर देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो है नहीं, तो बस इसी तरीके से फ्राई करके हल्का 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 रेडिश हो जाएगा ना, फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं अभी छोड़ दे रही हूँ, और उसके बीच में मैं यहाँ से देखिए किस तरीके से मैं ऑयल को चारों तरफ फैला रही हूँ ताकि सब पनीर में मिक्स हो जाए, नहीं तो फिर ये क्या होगा ना कि एक साइड से उसमें चिपक जाएगा। स्टील की कढ़ाई में अक्सर ऐसा होता है कि खाना जो बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो चिपक जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रही थी। और बस इससे ज़्यादा मुझे ना पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट और मैं पकाऊँगी, सेकूँगी, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो फिर से मैंने उसी मिर्च को डाल दिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और मैंने डाला है, और जीरा डाली हूँ बस इसी का तड़का लगा के, प्याज लहसुन इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो उसका पेस्ट जो है मैं इसमें कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इसको भूनूंगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन मुझे नहीं करना है, जब आधा से अधिक पक जाएगा ना तब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और अब मैं पालक को भी ग्राइंड कर ले रही हूँ इस जार में डाल के, तो पालक भी अभी जार ग्राइंड हो गया है, और ये जो मिक्सर ग्राइंडर का मशीन है ना, इसको मैं फटाफट अभी से ही ऊपर रख दूँगी ताकि काउंटर तो अपना खाली होने लगता है। तो यहाँ देखिए प्याज भी अच्छी तरीके से भून चुका है, अब इसमें टाइम आ गया है मसाला डालने की, क्या क्या मैं मसाला डालूंगी ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मुझे इसमें नमक को ऐड करना है, उसके बाद बाकी सारे मसाले मैं डालूंगी, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना दालचीनी का टुकड़ा भी डाला था, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो बस पालक पनीर की रेसिपी आपके साथ आज फुल शेयर कर रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। उसके बाद मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैं डालूंगी जीरा पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बाकी कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे, आप चाहो तो गर्म मसाला ऐड कर सकते हो बट मैं नहीं डालूंगी। उसके बाद एक साइड में मिल्क भी गर्म हो चुका है, और उसको मैंने उतार दिया गैस पे से, और इधर के सामान भी मैं थोड़ा बहुत सेट कर देती हूँ, जैसे मस्टर्ड ऑयल का जो बोतल था उसको मैं उसके जगह पे रख दी हूँ, आटा भी अभी मुझे गूंदना है। तो देखिए यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भून रहा है, और थोड़ा सा जब ये डार्क हो जाएगा ना तब मैं इसमें डालूँगी पालक। तो यहाँ पर मैं परात में आटा भी निकाल ले रही हूँ ताकि मैं आटा भी आराम से मैं गूंथ लूँगी, और क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है ना कि हम फटाफट काम ना करें तो काम फिर पेंडिंग रह जाता है, देर लग जाता है, खाने में लेट हो जाता है, तो इसीलिए फटाफट शाम के टाइम ऐसा करना पड़ता है। तो बस मैं आटा जितना मैं नाप के ही निकालती हूँ कटोरी से, 2 या 3 कटोरी, और आटा भी मैंने निकाल लिया है, पानी आरो का ले रही हूँ, स्पर्श इधर खेल रहा है, और ये भी अभी आ चुके हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला भी अभी भून चुका है, तो बस अभी टाइम आ गया है इसमें मुझे पालक को ऐड करना है। तो पालक को तो मैंने ग्राइंड पहले से कर लिया था, और इसका जार को ना थोड़ा सा पानी और डाल के और मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा चिपका हुआ है वो भी कढ़ाई में चला जाए। तो देखिए किस तरीके से पालक बहुत अच्छे से ग्राइंड हुआ था, एक्चुअली मैंने थोड़ा ज़्यादा बॉयल किया था ना इसीलिए बहुत अच्छे से ग्राइंड हुआ था, एकदम पेस्ट इसके एकदम पतला बना था। तो
इसको मैं पालक को कढ़ाई में डाल के और भूनूंगी। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा भूनूंगी क्योंकि पालक को, अगर आप कभी भी पालक पनीर बनाते हो और पालक को ज़्यादा भूनते हो ना, ड्राई कर देते हो, तब आपकी पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा भी मुझे टाइम लगेगा इसको भूनने में, और इसको मैं लगातार चला रही हूँ और इनसे भी थोड़ी बातें कर रही थी इधर। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ आटा गूँनने के लिए, क्योंकि पालक भूनने में टाइम लगेगा तो मैं सोची कि आटा भी मैं गूँन लेती हूँ। तो बस ज़्यादा मैं आटा गूँद रही हूँ, जितना मुझे रोटी बनाना है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल भी बना दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आटा कम गूँधा है और पालक पनीर के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। तो चावल को मैं अभी वॉश कर ले रही हूँ और इसको डायरेक्ट मैं अभी ना गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि चावल भी बन जाएगा ना फिर रोटी मैं बनाऊँगी। तो चावल को अच्छे से वॉश करना है, और कभी कभी मैं अलग से बाउल में वॉश कर लेती हूँ चावल को, कभी कभी मैं डायरेक्ट कुकर में ही इसको वॉश कर लेती हूँ। तो बस जितना मुझे पानी इसमें ऐड करना है उतना पानी मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं गैस पर रख दूँगी। अभी कुछ बर्तन मुझे वॉश करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पालक भी अच्छी तरीके से ना भून चुका है, तो अब इसमें टाइम आ गया है कि मुझे पनीर ऐड करना है। तो थोड़ा सा मैंने अभी और छोड़ दिया है, और ये पॉलीथीन में तो थोड़े बहुत कूड़े थे ना, उसको मैंने इसी में इकट्ठा कर दिया है। और ये तवा भी मुझे वॉश करना है क्योंकि अभी मुझे रोटी बनाना है, साथ ही साथ 2-3 लंच बॉक्स भी मुझे वॉश करना है, क्योंकि सुबह के टाइम ना कम पड़ जाएगा, क्योंकि रोटी सब्जी या फिर दही हो जाती है या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो 5-6 ना लंच बॉक्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैं अभी वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे पनीर को मैंने डाल दिया है, और फिर उसके बाद इसमें पानी डालती हूँ और बस मुझे थोड़ी देर 5-7 मिनट और पकाऊंगी, उतने देर में मेरा पालक पनीर रेडी हो जाएगा। और अभी सुबह के लिए मैं इसमें से ना सब्ज़ी निकाल रही हूँ, कि सुबह क्या सब्ज़ी बनानी है। तो मुझे सबसे लास्ट, मतलब पहले वाली जो सब्ज़ी दिखी ना, ये पत्ता गोभी दिखी, तो एक मैंने निकाल लिया, बट ऊपर का जो इसका पत्ता है ना ये ख़राब हो गया है, तो मैं एक एक लेयर इसका ना निकाल के हटा दूँगी, काला काला पड़ गया है, तो वो मैं ना बनाती नहीं हूँ क्योंकि ये भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने 4-5 लेयर इसका निकाल दिया। उसके बाद जो बचा है ना इसके मैं अभी कट करूँगी सब्ज़ी, वो सुबह के लिए करूँगी। तो अभी मैं रोटी भी बना ली, बन रहा है मेरा, और इनको मैं खाना भी निकाल दे रही हूँ। तो देखिए पालक पनीर कितना टेस्टी बना है, साथ में राइस और रोटी भी है। तो ये है हमारा आज का डिनर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो यहाँ पे डिनर इनके लिए मैंने निकाल दिया है और मैं इनको अभी दे दे रही हूँ। देन उसके बाद कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग सारा, मैं भी डिनर कर चुकी हूँ तो सोची कि किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि रात को फिर ऐसे छोड़ देते हैं ना तो कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर वो गंदगी फैलती है। तो इससे अच्छे कि आराम से करके सारा क्लीनिंग करके सो, तो सुबह के लिए भी आराम हो जाता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा गैस स्टोव भी मैं साफ़ करूँगी, इस पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल के छींटे आ गए थे। तो बाय, टेक केयर।